हेलो दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में जो आपको डेफिनेटली एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में देखते हैं बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब भी हम सोना कहते हैं, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, तो हमारे भारतीयों के लिए बहुत, ये जो येलो मेडल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है सदियों से। हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में ये देखा गया है कि गोल्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे भारत में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर त्यौहार में, हर ओकेशन में गोल्ड यूज़ किया जाता है। चाहे वो शादी की हम बात कर लें, या फिर किसी की नेमिंग सेरेमनी हो जाए, या फिर किसी का गृह प्रवेश हो जाए, या फिर कोई त्यौहार जैसे दिवाली, धनतेरस, गोल्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हम खरीदने की बात करें या फिर किसी को गिफ्ट देने की बात क्यों ना करें। सोना खरीदना और सोना गिफ्ट करना, किसी को देना, हमारे भारत में आज भी शुभ माना जाता है। और आपको पता है, एक बड़ा कारण आज गोल्ड खरीदने का ये है कि आज भी हमारे भारत में बहुत लोगों का ये मानना है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और उन्हें वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, सेफ भी लगता है, और साथ ही वो कनेक्टेड फील करते हैं। कनेक्टेड फील इसीलिए करते हैं क्योंकि सोना जो है, गोल्ड जो है, वो हमारे लिए एक इमोशन भी होता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज अगर आप किसी भी तरह का ज्वेलरी खरीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आज अगर आपको अगर कंगन चूड़ी या जो भी आप खरीदते हैं, ज्वेलरी फॉर दैट मैटर, रिंग्स, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्योरली हमारे कल्चर को दर्शाता है। क्योंकि ओवर द जनरेशंस ये देखा गया है कि कैसे फैमिली टू फैमिली गोल्ड पास ऑन होता रहा है। आपने डेफिनेटली अपने फैमिली में ऐसा एक गोल्ड का चूड़ी देखा होगा, ऐसा कोई हार देखा होगा, या जो भी एक एसेट देखा होगा गोल्ड का, जो पास ऑन हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये जो गोल्ड है, ये भी दिखाता है कि कैसे हमारे इंडियन कल्चर में गोल्ड कितना ज़्यादा डीप रूटेड है और कितना ज़्यादा हम गोल्ड को मानते हैं। तो जब हम गोल्ड को इमोशन से कनेक्ट करते हैं तब वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने इमोशंस को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते, अपने इमोशंस को यहाँ पे नहीं डालते। तो बस इसी के साथ ये आपको बताना चाहूँगी कि आज इन केस अगर आपको गोल्ड खरीदना है, अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी से उसमें पैसे लगाने हैं, तो आपके पास गोल्ड बार्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड बिस्किट्स हैं, एक्सेट्रा। ये फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड जो हैं बहुत लोग खरीदते हैं ये सोच के कि इनके जो वैल्यू हैं वो आगे चलकर फ्यूचर में बढ़ जाएंगे और उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि उनको डबल प्रॉफिट मिलने वाला है। बहुत लोग आज गोल्ड बार्स, गोल्ड बिस्किट्स और गोल्ड कॉइन्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये जो फॉर्म्स ऑफ गोल्ड हैं एकदम प्योर गोल्ड होते हैं, यानी कि 24 कैरेट्स के होते हैं। वहीं अगर हम इसे ज्वेलरी से कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं, आज जो ज्वेलरी आप पहनते हैं गोल्ड के, वो 24 कैरेट्स के नहीं होते, यानी कि वो प्योर गोल्ड नहीं होते, बल्कि जो भी ज्वेलरीज आप पहनते हैं वो 22 कैरेट्स के होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 92% का प्योर गोल्ड होता है, बाकी 8% जो है वो बाकी अदर मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जिंक होता है, कॉपर होता है, एक्सेट्रा। तो ये प्योर गोल्ड से नहीं बनाया जाता और इसीलिए बहुत सारे लोग गोल्ड बार्स, कॉइन्स और बिस्किट्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो प्योर गोल्ड ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी आप किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े लिमिटेशंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे लिमिटेशंस, क्योंकि फिजिकल गोल्ड तो बहुत अच्छा माना जाता है अगर आपके घर पे हो तो। लिमिटेशंस जैसे कि अगर आप इन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके मेकिंग चार्जेस पे आपको पैसे भरने होंगे, डिज़ाइन चार्जेस जो हम कहते हैं उस पे पैसे भरने होंगे, प्लस आपको GST भी भरना होगा, प्लस आपको सेफ्टी जो चार्जेस है, अगर आप लॉकर खरीद रहे हैं तो सेफ्टी चार्जेस भी आपको देना पड़ सकता है, एक्सेट्रा। तो जो भी गोल्ड आप, फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हैं तो इस पे बहुत सारे अलग चार्जेस एंड फीस आपको भरना पड़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं, अदर देन द फिजिकल गोल्ड, बहुत सारे ऐसे अदर ऑप्शंस भी हैं जहां या फिर जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आ सकता है आपका डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड में आपको बता दूं, जैसे आज हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं जो डिजिटली है, बहुत से
ट्रांजैक्शंस आप डिजिटली करते हैं, जैसे UPI है, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अभी हाल ही में हमारे भारत में ई रुपी जो लॉन्च हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब आपको फिजिकल कैश में ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ई रुपी है तो आप डिजिटली ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, आपको फिजिकल नोट्स करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से अब अगर आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड नहीं चाहिए, फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए, तो आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट डिजिटल गोल्ड का ये है कि आप एज लो एज 1 रुपी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप एज लो एज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एज लो एज 1 रुपी से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पॉकेट में जितने सेविंग्स हैं, और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। और साथ ही जितना कम ग्राम्स लेना है, जितना ज़्यादा ग्राम्स आप ले सकते हैं, उतने ग्राम्स को आप खरीद सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको फिजिकल गोल्ड छोड़कर किसी और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, उतना ही प्राइस, उतना ही वैल्यू एज फिजिकल गोल्ड अगर आपको चाहिए तो। दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम ETF बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि एक ऐसा फंड या ऐसा यूनिट आप खरीदते हैं जो एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है, और ये जो ETFs है वो सारे ही इंडेक्स को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि अगर ये इंडेक्स हो सकता है या फिर सेंसेक्स हो सकता है या फिर निफ्टी 50 हो सकता है, जिस भी इंडेक्स को ये फॉलो करता है उस हिसाब से आपको मार्केट वैल्यू का, आपको आपके फंड का या फिर यूनिट का प्राइस आपको मिलता है। तो जब भी मैं ETF बोल रही हूँ तो ये ट्रैक करता है किसी इंडेक्स को, ये ट्रैक करता है किसी कमोडिटी को, किसी बॉन्ड को, या फिर अब बास्केट ऑफ एसेट्स को। यानी कि अब अगर हम गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं तो आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और आपको ये कमोडिटी के प्राइस का वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने किसी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया है, तो जो करंट फिजिकल गोल्ड का प्राइस है, आगे इन फ्यूचर जो भी, जब भी आप ये बेचते हैं मेच्योरिटी के बाद, या जब भी आपको मन करता है ये बेचने का, अपने फंड को बेचने का, तो तब के टाइम पर जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी उस फिजिकल गोल्ड की, उतना वैल्यू उस फंड का होगा और उतना वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि रादर देन बाइंग अ फिजिकल गोल्ड, आप गोल्ड ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रिस्क ज़्यादा होता है पर आपको रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लें और तभी इसमें इन्वेस्ट करें। तो जब भी आप एक गोल्ड ETFs खरीदते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ये डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा और आपको ये फिजिकल गोल्ड बनकर नहीं मिलेगा, और ये डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा और आपको इसके पैसे मिलते हैं। जब भी वो जो यूनिट है या फिर फंड जो आप खरीदते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, जो करीब करीब जो फिजिकल गोल्ड का वैल्यू है उसका ही आपको मिलता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो बिकॉज़ ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो जैसे जैसे वो इंडेक्स ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, यानी कि मार्केट वैल्यू या तो ऊपर जाता है जब नीचे जाता है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक शेयर की बात करें, इसका मतलब आपको 1 ग्राम का गोल्ड मिलता है, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी इन फ्यूचर आप ये गोल्ड ETFs को बेचते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी आपको लगते हैं, जो जनरली 0.4% का ही होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी का इक्विटी खरीद सकते हैं, यानी कि कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर होल्डर बन सकते हैं। इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और गोल्ड का वैल्यू, जो फिजिकल गोल्ड का वैल्यू है, उतना ही वैल्यू आपको मिले अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद के कुछ और गोल्ड खरीदना है तो। तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अभी काम किस तरह करता है कि अगर कोई भी सिंडिकेट है, यानी कि गोल्ड प्रोड्यूसिंग सिंडिकेट है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंडिकेट है, तो उस कंपनीज के शेयर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर उस कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने को मिलते हैं जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। या फिर जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं उसके स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, या फिर फिजिकल गोल्ड हैं कंपनीज जो हैं उसके स्टॉक्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू, मतलब जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो इन सारे कंपनीज के स्टॉक्स आप
खरीद सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन ये है आपके पास कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मैं आपको बता दूं, इट वर्क्स लाइक कि जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसी तरह से ही काम करता है। और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए RBI से मिलता है, यानी कि ये होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन इसे RBI इशू करता है। तो आज अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने हैं तो वो बहुत सारे लेंडिंग पब्लिक बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जहां पर जाकर आप एक बॉन्ड खरीद सकते हैं। नाउ हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसे एक गोल्ड खरीदना है, वो मेरे पास आता है, मैं RBI हूँ, तो वो मेरे पास आता है ये बोल के कि उसे गोल्ड खरीदना है, बट नॉट द फिजिकल गोल्ड, तो उसे बॉन्ड खरीदना है। तो उसके पास XYZ अमाउंट ही है, उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट जितना भी एक बॉन्ड का वैल्यू हो उतना उसके पास है। वो मेरे पास आता है, बॉन्ड खरीदता है, उसके बदले मैं उसको बॉन्ड देती हूँ, फिजिकल गोल्ड नहीं बट वो पेपर बॉन्ड देती हूँ, और उसे ये अश्योर करती हूँ कि मेच्योरिटी, इस बॉन्ड की मेच्योरिटी के बाद उसे वो गोल्ड का वैल्यू जितना भी होगा तब के समय पे मार्केट प्राइस जितना होगा वो उसे मिल जाएगा, साथ ही उसे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये अश्योर्ड रहता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो जितना आप बॉन्ड्स खरीदते हैं उसका इंटरेस्ट मैं आपको बता दूँ अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट 2.5% का। तो हर एक बॉन्ड पर अगर आपका 10,000 का बॉन्ड है, मान लेते हैं एक बॉन्ड मैंने दिया 10,000 रुपये का, तो हर मेच्योरिटी के बाद उसे 10,000 रुपये भी मिल जाएंगे प्लस 2.5% का इंटरेस्ट भी उसे मिल जाएगा। तो ये थे कुछ चार ऐसे अलग इन्वेस्टमेंट्स जो अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो ये टॉप ऐसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। अब जब हमने ये सारे गोल्ड ऑप्शंस को देख लिया है, 5 गोल्ड ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, अब ये भी देख लेते हैं थोड़ा कि इसमें रिस्क कितना हो सकता है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो मैं आपको अभी ब्रीफली रिस्क भी बता देती हूँ कि ईच, जो भी हमने अभी 5 गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, तो इसमें क्या रिस्क भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट को देखा जो था फिजिकल गोल्ड का। तो यहाँ पे रिस्क ये हो सकता है कि फिजिकल गोल्ड आपका कभी भी चोरी हो सकता है, जो प्योरिटी इश्यूज होते हैं, यानी कि आज अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो अगर इन फ्यूचर उसको बेचना भी है तो दुकान वाला सबसे पहले उसकी प्योरिटी चेक करता है कि कितना प्योर गोल्ड है, और जब भी आप खरीदते भी हैं तो आप ये भी इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि क्या आप प्योर गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर नहीं, तो प्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। और साथ ही जब भी आप खरीदते हैं या फिर आपने ऑर्डर दिया है अपने गोल्ड का, या फिर ये भी हो सकता है, एक रिस्क ये भी हो सकता है कि आपका जो गोल्ड है वो खो भी जाए। तो ये ऐसे 3 रिस्क इन्वॉल्व हैं जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। अब यहाँ पर रिस्क ये है कि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो आपके गोल्ड को या फिर आपके पैसे को मॉनिटर करता है। जैसे इन केस अगर आज अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये ध्यान में रखता है कि आपका पैसा इधर उधर ना हो, और ये मॉनिटर करता है सारे ही इन्वेस्टर्स के पैसे को। पर डिजिटल गोल्ड में ऐसा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो ये एक रिस्क हो सकता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड। अब तीसरा है गोल्ड ETFs। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, क्योंकि एक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे पैसा, तो मार्केट वोलेटिलिटी जो है ये डिटरमाइन करेगा कि आपको गोल्ड का प्राइस कितना मिलने वाला है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ज़्यादा पैसे, नीचे जाता है तो पूरे नीचे, मतलब कुछ भी आपको प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। सेम गोज़ विथ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, तो ये भी मार्केट रिलेटेड रिस्क के साथ ही आता है। और लास्ट है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यहाँ पे केवल रिस्क यही रहता है कि इन केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट कर देती है आपके पैसे तब नहीं मिलेंगे, यानी कि आज अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं और लेट्स से इसकी मेच्योरिटी है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही ना हो, इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई हो, तो और गवर्नमेंट आपको पैसे लौटाए ना या फिर बहुत ज़्यादा लेट लौटाए, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो। लेकिन ज़्यादातर टाइम्स गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए हैं, मतलब ये नेगलिजिबल रिस्क है जो मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये थे कुछ ऐसे रिस्क ऑफ फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इस वीडियो में हमने जान लिया है कि कौन से ऐसे बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही हमने ये भी समझ लिया है कि इन सारे ही गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ऐसे रिस्क रहते हैं।
अब मैं आपको बता दूं, निवेशक होने के नाते जब भी आप निवेश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क भी उतना ही रहता है। अगर आपको आज ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी और वैल्यूएबल भी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारे ही फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेटेड रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।